हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छीतो ताटी सोचते तेरा देवांगे ठोक के, जय जवान जय किसान। सर तोटा में मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कुछ निर्णय लिए गए? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जहाँ चोपटा के हमारे किसान मजदूर दुकानदार भाई जहाँ पे आज पर मीटिंग में पहुँचे हैं पूरे 45 आके, और जो आज हमारा मीटिंग करने का मेन मकसद था यहाँ पे, क्योंकि अब जो इलेक्शन चले हुए हैं जिसमें लगातार किसान भाई हमारे मजदूर भाई दुकानदार भाई यूथ वहाँ पर लगातार पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, तो उसमें हमारे 700 किसान भी शहीद हो गए। उसमें चलते हुए जो एक अहलाबाद का इलेक्शन आया हुआ है और उस इलेक्शन के संबंध में लगातार बीजेपी जेजेपी का विरोध जो कंटिन्यू पिछले एक साल से हो रहा है, अब यहाँ पे चोपटा में भी आपका मीडिया के माध्यम से रोज़ कवर कर रही हूँ, ठीक है, और उसलिए उस चीज़ को और तेज़ करने के लिए लोगों के हर एक घर में बात पहुँचाने के लिए भी हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं। किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया है, किसी के घर वाले का पति गया है, उस चीज़ को और बुलंद करने के लिए बीजेपी जेजेपी को वोट किसी ने नहीं डालनी, उस चीज़ को बंद करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से हमारे सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी 23 अक्टूबर दिन शनिवार को यहाँ पे पहुँच रहे हैं एक तूफानी दौरा करने के लिए। जो यहाँ पे चोपटा हमारे 45 साल ने यहाँ पे बैठ के मीटिंग में फैसला लिया है भी एक प्रोग्राम डोर टू डोर करते हुए भावदीन से शुरू होंगे और यहाँ से माको सरानी से होते हुए चोपटा से होते हुए और अपना चारवाड़ा में मेन प्रोग्राम हमारा जो 10 बजे की टाइमिंग दी है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसभा करके वहाँ से सीधा आगे गांव से होते हुए एक तूफानी दौरा रोड शो करते हुए जमाल में अगला जो प्रोग्राम होगा वो जमाल में वहाँ पे हम 12 बजे के वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया जमाल का, वहाँ पे पूरा जनसमूह वहाँ आपके माध्यम से हम पूरा चोपटा के हर एक भाई को हर एक मजदूर को दुकानदार को सभी बरादरियों को आपके माध्यम से निमंत्रण देते हैं भी उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संयुक्त किसान मोर्चा के और भी बड़े नामी चेहरा जो उस दिन दस्तक देंगे इस चोपटा में अहलाबाद हल्के में, तो उनको सुनने के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसानों की मजदूरों की, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन चारवाड़ा में और जुमाल में पहुँचे सुनने के लिए। गुरनाम जी के कार्यक्रम के बाद गांव में भी कोई डोर टू डोर किसान जत्था है, जथेबंदियां है, जो भी किसान से जुड़े हुए हैं वो भी गांव में भी प्रचार करेंगे अपने स्तर पर जो बचे हुए दिन रहेंगे उनमें? हाँ बिल्कुल, इस तरह वो जिस तरह जैसे यहाँ की हमारी लोकल टीमें हैं जो आज हमारे यहाँ खड़े हैं भाई, ये लगातार लगे हुए हैं और इसके बाद गुरनाम के प्रोग्राम के बाद अब चल भी रहा है कंटिन्यू डोर टू डोर और इसको और तेज़ करेंगे जो बाकी दिन रह गए। संगठन की तरफ से किसी पार्टी को तो इशारा हो आपका भी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बीजेपी जेजेपी का दब के विरोध डट के जो पिछले 10 महीनों से चल रहा है इस में देखो जिसने कहीं वोट डालनी हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद है जेजेपी और बीजेपी को हराना। अभय सिंह ने भी तो किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है, उनके लिए आपका कोई थोड़ा बहुत हो? नहीं देखिए उन्होंने अपने हिसाब से देखा है जो सिस्टम उनको सही लगता था, हमारा मकसद सिर्फ यही है बीजेपी जेजेपी का विरोध करना, यो यहाँ को लोगों को अच्छा लगेगा जो सही लगता है वो अपने हिसाब से देखेंगे।